ध्यान दीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है मिस्टर एक्स ने ट्रांसफर किया है फॉलोइंग एसेट्स प्रीवियस ईयर 21-22। सर कुछ ऐसे ट्रांसफर करें। यहां पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने प्रेजेंट करके क्वेश्चन दिया है, बच्चा डर जाए देख के कि सर ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है क्या। इसने जो लिख के देते थे वो हमारा काम आसान किया है, बल्कि इसने टेबलर फॉर्म में देके इस डेट पे खरीदा, इस डेट पे बेचा। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नहीं है, गोल्ड के लिए अलग सोचना है, एग्रीकल्चर लैंड के लिए अलग, और लिस्टेड शेयर के लिए अलग, और डिबेंचर के लिए अलग। हर किसी के लिए अलग अलग पॉइंट रखा गया है। अब यह है डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जिस दिन सेल्स किया है, जिस दिन बेचा है। यह है डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन बेचा है। डेट ऑफ एक्विजिशन परचेज, सर डेट ऑफ ट्रांसफर, पहले मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, सेल्स। सर सेल्स दे रखा है आपको 10 लाख का। डेट ऑफ परचेज, सर 20 में खरीदा और 21 में बेच दिया। लेस परचेज, या जिसे बोलते हैं सीओ ए, दैट इज 3 लाख। सर एक्सपेंस हो गया, लेस एक्सपेंस कर देते हैं, छह लाख पचास हजार, दैट इज एसटीसीजी, पहले एसेट्स का काम खत्म। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, तो एग्रीकल्चर लैंड, सर एग्रीकल्चर लैंड के अंदर देखा जाए 10 में खरीदा था और 21 में, तो लॉन्ग टर्म है। सर सेल्स कितने का किया है? सर सेल्स किया है इसने 15 लाख का। आगे कहता है सेलिंग एक्सपेंस माइनस कर दे, सेलिंग एक्सपेंस 20,000, एनएससी 14,80,000, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर खरीदा था इसने 315,864, मल्टीप्लाई 317, 167। बताइए बताइए क्या आ रहा है? बताएं फटाफट। 5,99,000, 5,99,000 LTCG, चलिए सर दूसरे का भी हिसाब खत्म। तीसरा आ जाते हैं शेयर्स पे। कहता है शेयर लिस्टेड सब्जेक्ट टू द सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सर लिस्टेड शेयर है तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? एफएमबी। सर व्हाट एफएमबी? आपको बताया था यहाँ पे एफएमबी लगता है आपका 31 जनवरी 2018, 2018 का, सिर्फ लिस्टेड के लिए अगर आपको याद हो तो। चलिए सर
यानी सारी बातें आपको ध्यान रहेगा, इसमें इंडेक्सेशन नॉट अलाउड है, लिस्टेड में इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं किया इन्होंने। सर सेल्स वैल्यू जो है इसका, और बेचा इसने 19 से 21 में, तो यहां पे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म काउंटेबल कितने, 12 महीने। तो सर लॉन्ग टर्म ही है, 19 से 21 चला गया तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म आ गया। अब ये जो डेट था ना परचेज करने का, कब खरीदा था, 11/5/2000, एक बात और बताया था, जो एसेट्स आपने खरीदा हो 31 जनवरी 2018 से पहले, उसके लिए 31 जनवरी 2018 का वैल्यू लेना है, और जो एसेट्स आपने शेयर्स को खरीदा 31 जनवरी 2018 के बाद, तो वो बाद वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे क्या हमारी पुरानी वैल्यू देखने की जरूरत है क्या? तो सर जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, पहले तो माइनस कर लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस, दैट इज 15,000, एनएससी 885, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 385, कितने बच गए, 5 लाख रुपए। चलिए ये भी डन। अब आ जाते हैं डिबेंचर, डिबेंचर पे भी इंडेक्सेशन, और यहां हमेशा शॉर्ट टर्म लगेगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कोशिश कराई कि बच्चे से सार सब कुछ पूछ लो, पूरा चैप्टर ही। सर यहां पे सेल्स 750 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 40,000, एनएससी 750 में से 40 गए तो 710, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 4 लाख, ये आ गया 3,10,000, ये एसटीसीजी। यहां तक कोई डाउट? अब सर आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। कहता है इसने इन्वेस्टमेंट किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में और 15 लाख रुपए। सर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इसने कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा नहीं है। तो अगर कोई अदर एसेट्स बेच देते हो और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक्टिवेट हो जाता है 54F। क्या होता है 54? तो 54F का देंगे यहाँ पे। एनएचआई बॉन्ड खरीदा है इसने, और सर 30, आपका 30/1/2022 बोला था रिटर्न फाइल करने से पहले इन्वेस्टमेंट कर देना। तो अगर आप 21/22 का देखो, तो रिटर्न फाइल जो होगा हमारा, कब होगा हमारा 21/22 का रिटर्न फाइल होगा, अगर हम देखें प्रीवियस ईयर, तो 2022 में हमारा डेट होगा जो, वो होगा जुलाई 31। लेकिन 31 जुलाई 2022 से पहले ही इसने क्या करा, कर लिया, तो ये भी एलिजिबल हो गया 54EC। REC बॉन्ड ये भी 54EC, लेकिन ये ने 15/10 जुलाई के बाद, लेकिन 2021 में है, ये भी ध्यान दो, तो ये भी एलिजिबल हो गया सर। इसके बाद ही ब्रॉट फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है रिलेटिंग टू द SSC 18-19 से रिलेटेड, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन वगैरह दे रखा है। तो हम ब्रॉड फॉरवर्ड कैपिटल लॉस की बात आज नहीं करेंगे, हम करेंगे अगली क्लास में, जब हम करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अभी फिलहाल हम देखेंगे किस किस में क्या क्या डिडक्शन दिया जाना चाहिए। तो सर डिडक्शन की बात करें, तो हमारा जो 50 जितने भी है, 54EC और 54F दोनों लॉन्ग टर्म के लिए एप्लीकेबल होता है, शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल। तो अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं, 54F का डिडक्शन देना चाहूं तो नहीं दे सकता, यहां पे देना चाहूं तो, और यहां पे देना चाहे तो, यानी दो जगह हमारे पास अवेलेबल है जहां पे हम 54F का डिडक्शन दे सकते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे।
ईसीबी आपका लॉन्ग टर्म के लिए था, सिर्फ 154 बी जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए अलाउड है, और 154 डी कंपल्सरी एक्विजिशन, बाकी सभी लॉन्ग टर्म के लिए अलाउड होता है हमारा। तो सर सबसे पहले यहां पे माइनस कर दें 54F, सर 54F माइनस करिए। इन्वेस्टमेंट कितने की करी है सर इसने, 15 लाख। सर ये 15 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है, इसके दो तरीके हैं माइनस करने के, या तो हम टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड कर ले। टोटल ऐड करने का मतलब सर टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऐड करके फिर नेट सेल कंसिडरेशन, एक पहले भी क्वेश्चन किया था जहां पे दो सवाल था दोनों में। देखिए मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कर देता हूं, आपका एक तो एग्रीकल्चर लैंड था जिससे हमारा कैपिटल गेन है, और एक आपका है शेयर्स, सर इससे इनकम है, टोटल इनकम हो गया लेस 54F। 54F क्या कहता है सर, कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो सर इसका नेट सेल कंसिडरेशन 14 लाख और इसका नेट सेल कंसिडरेशन 8,85,000, तो दोनों को जोड़ दो, 14 और 8 कितने हो गए, 2 को ऐड करिए, ये 23 लाख इनटू में अमाउंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का है इसको सॉल्व करिए क्या आता है, 8 लाख माइनस 54EC, दोनों 54EC अवेलेबल है, 50 और 40 दैट इज 90,000। सर इसको माइनस कर दीजिए, मैंने डिबेंचर में लॉन्ग टर्म लिख दिया है, कहाँ लिखा है ये डिबेंचर है, 7,500,000 ये हमारे सामने आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये रहा सर हमारे सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हालांकि मेरे पास स्पेस नहीं है, 10 ईयर का भी आंसर दिखा दूंगा जिस तरीके से सिस्टमेटिक है, और पिछले साल का अगर कोई लॉन्ग टर्म हमारा कोई भी कैपिटल लॉस है उसको यहां से सेट ऑफ किया जा सकता है, लेस कैरी फॉरवर्ड लॉस। मैं अभी बता रहा हूं, अगली क्लास में समझेंगे भी ऐसा क्या प्रोविजन है। तो 61,268 आप माइनस करेंगे, फाइनली आ जाएगा LTCG और STCG आपके सामने है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। सर 10 ईयर में अलग, हाँ वो मैं बोल तो रहा हूं, मैं अभी दिखा देता हूं आपको, मैंने रैंकिंग करके कर दिया, देखो दोनों चीजें बता दूंगा, जहां अलग होगा दोनों चीजें समझ में आ जाएगा आपको। देखिए सर पहला पॉइंट, मैंने बच्चे कह रहे हैं सर 10 ईयर में अलग दे रखा है, तो 650 तो ये है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, यहां पे मैंने देखो क्या ले रखा है नेट सेल कंसिडरेशन में, 14,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल, अलग इसलिए है क्योंकि कहा गया नेट सेल कंसिडरेशन से ज्यादा आप कैपिटल गेन को नहीं ले सकते। मैंने यहां पे क्या लिया है देखो, मैं लिख भी देता हूं, ये है अमाउंट इन्वेस्टमेंट। सर आपका कैपिटल गेन कितना बन रहा था, ये
कैपिटल गेन कितना, सॉरी नेट सेल कंसिडरेशन कितने का था, 14 लाख, और आपका इन्वेस्टमेंट आपने 15 लाख किया, तो 14,80 हम यहाँ कवर कर चुके हैं। और ये क्या है हमारा एनएससी, और ये क्या है हमारा कैपिटल गेन जो कि निकल के आया, कहाँ से आया कैपिटल गेन, ये रहा। तो यहाँ से एग्जेम्पशन ये मिल गया। अभी देखो तो हमारे पास 20,000 पेंडिंग है, 14,80 ले चुके हैं ना इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, यहाँ पे कितना ले चुके हैं, 14,80, टोटल कितना किया था 15, 20,000 हम कहाँ पे कंपनसेट कर लेंगे, शेयर वाले में। तो आप देखोगे 20,000 मैंने एक यहां लगा दिया, ये देखो इन्वेस्टमेंट मैंने यहां पे इस तरीके से ले लिया है, देखिए फर्क है इसमें थोड़ा सा। फर्क ये है कि यहां पे सेल कंसिडरेशन आपका ज्यादा है, किससे ज्यादा है सर, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट कभी भी आप इन्वेस्टमेंट जो लोगे इससे ज्यादा नहीं लोगे, बाकी अल्टीमेटली आंसर वहां पे वही आ जाएगा लगभग लगभग। पहले ये देखिए, ये समझ में आया क्या मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, और 54 ये वाला जो है ईसी, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 40,000 कितना, 50,000 था ना सर, एक मिनट देखिए, 50 है 40 है, 40 आरईसी का है, एनएचआई का कितना है हमारा 50 है, 30 एक, हाँ एनएचआई का क्या हो गया, 30 एक को करा, रिटर्न फाइल करने से पहले करा, बेचा कब है देखो, बेचा कब है 10/7। आपने अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रॉपर्टी बेचे हैं कब बेचे हैं, यानी 10/7 को बेच रहे हो, 6 महीने कब पूरे होंगे, कहा गया रिटर्न फाइल करने से पहले या विद इन अ 6 मंथ, तो 6 महीने पूरे नहीं हो रहे, तो इसलिए यहां पे ये एलिजिबल, ये जो कर खरीदा है ना इसने, ये नॉट एलिजिबल कर दिया गया, एक छोटा सा कैच का पॉइंट था। तो यहां पे जो होगा ये ध्यान नहीं दिया हमने सर, ओनली 40,000, पहले ये समझ में आया ओनली 40,000, क्योंकि आप एक तो ले रहे हो एग्रीकल्चर लैंड पे, एक ले रहे हो शेयर्स पे, दोनों ही बेचा गया है 6/21 को और 4/21 को। अगर आप 6/21 से आगे बियॉन्ड जाते हो तो सर 6 महीने कब खत्म हो जाएगा, आपका 6 महीने 12 में खत्म हो जाएगा, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट किया है 1 को जाके, देखिए काउंट करिए 6 महीने से ज्यादा हो रहा है इसलिए नहीं लिया गया। अब आ जाते हैं हम, ये यहां पे डिडक्शन ले लिया डेफर्ड टैक्स यहां से माइनस करके, और ये टोटल ये आ गया हमारा, और इस तरीके से हमारा ये था हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और आगे मैंने अलग से दिखाया नहीं, यहाँ पे बस मैंने ये दे दिया नोट, यहाँ पे दे दिया है क्या क्या नोट दिया हुआ है, एग्जम्पशन ठीक है, ये तो सब पता ही है हमें, ठीक है ठीक है। टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है, मेन पॉइंट है टैक्स लाइबिलिटी का, पहले यहां तक देखिए समझ में आया तो मैं टैक्स लाइबिलिटी वहीं रीड कर दूंगा, यहां तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट, डिबेंचर एलटीसीजी लिखा हुआ है, डिबेंचर 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 नहीं, इसे एसटीसीजी कर देना, शॉर्ट टर्म, अब देखो टैक्स लाइबिलिटी की बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो रेट तो बताया ही नहीं है, जो शेयर्स पे लगता है ना वो 10% लगता है, शेयर्स पे कितने परसेंट लगता है हमारा, तो उसने सारा एग्जेम्पशन दिया लैंड को, इसके दूसरे पे नहीं दिया, हमने टोटल पे लिया है, तो शेयर्स पे 10% लगा दिया इसने। बाकी आपका यहाँ पे भी थोड़ा सा एरर रह गया,
ये क्वेश्चन ना मैं दोबारा सॉल्यूशन करके दे दूंगा, 1 लाख माइनस होगा उसके ऊपर 10% लगेगा, ये आएगा 40,000। शेयर्स के ऊपर बोला गया है कि जब कभी भी आपका कैपिटल गेन होगा 1 लाख रुपए तक तो आपका एग्जेम्प्ट रहता है। इसमें थोड़ा सा ना एरर रह गया पिछली बार का, ये हालांकि 111A नहीं होगा, 112A होगा। मैं इसका दोबारा सॉल्यूशन भेज दूंगा, जिसको समझ में आ गया मैं नॉर्मली बता देता हूँ, ये 111 नहीं है, 112 है सर। ये आप सेक्शन चेक करेंगे तो जितने का कैपिटल गेन होता है ना शेयर में, उसमें से 1 लाख रुपए का एग्जेम्प्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और बाकी बैलेंस पे 10% टैक्स होगा, तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा। डिबेंचर पे सर 10% ही है सर, ये रेट फिक्स है, और बाकी जो बच गया ना इसके ऊपर बेसिक एग्जेम्पशन लगेगा, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन एक बार दोबारा सॉल्व करके आपको दे दूंगा, चिंता मत करो, जो भी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, और मैं इसको रेक्टिफाई भी कर दूंगा। बच्चे कह रहे हैं सर 112 वाला आपने टॉपिक नहीं कराया। सर आप ध्यान से नोटिंग नहीं कर रहे, वही बच्चा बोलेगा कि टॉपिक नहीं कराया है। आपको यहाँ क्लियरली बताया था मैंने कि 112 के सेक्शन 100, यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये देखिए मैंने क्लियरली और इसके ऊपर अलग से भी बताया था आपको कि सर इन केस ऑफ कोई भी इक्विटी शेयर होगा तो वहां पे लगेगा 112A, और इसके ऊपर पूरी कहानी भी बताई थी मैंने अरुण जेटली वाली, तो वो 112A के अंदर कवर्ड था आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं। और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए हैं, पिछले वीडियो को ठीक से देखिए आपको पता चल जाएगा। तो 112 में क्या था आपका, लिस्टेड शेयर, तो लिस्टेड शेयर का था वो। 54F कैसे लगेगा वो STCG? अरे डिबेंचर पे 54F लगाया ही कहाँ है, बच्चे पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। मैं इसका दोबारा सॉल्यूशन दे दूंगा, टेंशन मत लो। डिबेंचर पे कहाँ लगाया मैंने 54? डिबेंचर को तो अकेला छोड़ा हुआ है, 54F जो लगाया हुआ है सिर्फ लॉन्ग टर्म पे लगाया हुआ है, इसके ऊपर और इसके ऊपर। नए वाला 54F है, नहीं समझ में आया। हाँ वो रेशो भी होता है, रैंकिंग भी होता है। अभी देखते हैं, रुक जाइए।